हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम लोग इस वन पार्ट को बनाने वाले हैं और इसकी कुछ डायमेंशन ये है। यहाँ पे यह मैंने पूरा बना रखा है, तो इसको बनाते हैं इसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग सीएनसी प्रोग्राम। आप पे मैं सीएनसी प्रोग्राम भी आपको चेक कराऊंगा। चलिए करते हैं इसे स्टार्ट। यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे आके मैं प्रोग्राम को इनपुट करना शुरू करता हूँ। बाकी बेसिक सेटिंग जो है वो हम लोग बाद में करेंगे। इसे ऑन किया, इमरजेंसी को हटाते हैं, एडिट मोड में जाएंगे, प्रोग्राम में गए और यहाँ से शुरू करते हैं। ओ, और इस प्रोग्राम का नंबर कुछ डाल देते हैं, ओ 1 2 3 6। इंसर्ट ऑलरेडी है लगता है। ओ 0 1 2 3। इंसर्ट, इसे डाउन कर दीजिए। आप यहाँ से शुरू करते हैं G54 ऑफसेट के लिए, एंड ऑफ ब्लॉक, इंसर्ट। फिर आते हैं यहाँ पे T01 एंड ऑफ ब्लॉक, इंसर्ट। इसके बाद हम आएंगे M03 S 1500 1500 एंड अ ब्लॉक और इंसर्ट। इसके बाद हम लीनियर ट्रांसलेशन जो है हमारा G00 लीनियर इंटरपोलेशन, और एक्स को लेके आएंगे हम 80 क्योंकि 80 का हमारा डायमीटर है, इसलिए हमने एक्स को 80 लिया। और जेड को लेते हैं 2 ताकि थोड़ा सा बाहर की तरफ रहना चाहिए। इसके बाद फिर आते हैं साइकिल स्टार्ट करते हैं G71 U1 शिफ्ट के साथ U1 और फिर शिफ्ट R1 डिटेक्ट वैल्यू, एंड ऑफ ब्लॉक और इंसर्ट। इसके बाद फिर से जी साइकिल G71 और P और फिर Q, इनकी वैल्यू मुझे अभी पता नहीं है इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, और U.1 W.1 F.2 एंड अ ब्लॉक और इंसर्ट। इसके बाद लीनियर ट्रांसलेशन G01 एक्स आएगा हमारा 40 पे और Z0 एंड अ ब्लॉक, इंसर्ट। फिर G01 X50 और Z-5 एंड अ ब्लॉक, इंसर्ट। G01 X50 Z-20 एंड अ ब्लॉक, इंसर्ट। G01 X56 Z-23, इंसर्ट। G01 X64 Z-23 एंड ऑफ ब्लॉक, इंसर्ट। फिर ट्रांसलेशन G01 X70 Z-26 Z-26 एंड ऑफ ब्लॉक, इंसर्ट। फिर G01 X70 Z-48 एंड अ ब्लॉक, G01 X80 Z-50 एंड अ ब्लॉक, सर। G70 ये वाला हमारा आखिरी ब्लॉक हो गया है ना 140 का,
70 फिनिशिंग साइकिल। पी स्टार्ट कहाँ से हुआ था मुझे नहीं दिख रहा, ऊपर से कहीं से होगा, चलिए खैर मैं अभी छोड़ देता हूँ। और क्यू, क्यू मुझे पता चल रहा है, क्यू है हमारा 140, ये रहा 140, क्यू 140 हो गया। एंड ब्लॉक इंसर्ट M05 स्पिंडल स्टॉप एंड ब्लॉक और M30 प्रोग्राम स्टॉप एंड रिवाइंड। सर अब ऊपर चलते हैं, ये 70 से स्टार्ट हुआ था तो P70 आएगा। यहाँ पे शिफ्ट P70 और चेंज करना है इसलिए अल्टा 70 और 140 है। पी 70 अल्टा और क्यू 140 और अल्टा। तो प्रोग्राम हमारा पूरा ठीक हो गया है। अब प्रोग्राम के अलावा जो मेरी बेसिक सेटिंग्स हैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, वर्क पीस में जाता हूँ और वर्क पीस में 80 का ही मेरा डायमीटर है तो उसको मैं नहीं छेड़ने वाला हूँ। और लेंथ मेरी 80 है तो 100 या 200 की कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे ही रख लीजिए। वर्क पीस के बाद हम इसे जूम करते हैं और टूल लेने वाला हूँ मैं, यहाँ से जाएंगे और टूल मैनेजमेंट, टूल मेरा ये है, इसे ओके कर देता हूँ। क्लिक करके करते हैं इसे ऐड टू टैरेंट नंबर 1 और इसे क्लिक करके आप कर दीजिए माउंट और ओके, टूल मेरा अवेलेबल हो गया। यहाँ पे टूल डिफाइन करने के बाद अब ऑफसेट में जाना है, उससे पहले मेरे को लेना पड़ेगा रैपिड पोजिशन। रैपिड पोजिशन यहाँ सेंटर पर टच होना चाहिए, टूल सेंटर पर टूल टच हो गया है और इसे पैन करके मैं इधर ले आता हूँ। और अब आते हैं हम ऑफसेट सेटिंग में और वर्क ऑफसेट सेट करना है और नीचे लेके आएंगे यहाँ पे X0 लेज़र और नीचे लेके आइए Z0 और लेज़र, तो इसने इसे ले लिया है। अब पोजीशन चेक करने जाते हैं तो यहाँ पे 0-0 आना चाहिए, पोजीशन भी मेरी वो 0-0 आ रही है। अब काम आता है हमारे रेफरेंस का, मैं इसे रेफरेंस करता हूँ। जेड अब यहां से हम लेते हैं ऑटो सिंगल ब्लॉक और साइकिल स्टार्ट करने से पहले डोर को क्लोज करिए और यहां से जाके शो मशीन को हटा देते हैं। और अब करते हैं यहां से प्रोग्राम पे क्लिक और चेक और यहाँ से करते हैं टूल चेंज हो गया, स्पिंडल स्टार्ट हो चुका है, अब क्लिक आगे पोजिशन पे आ रहा है। नेक्स्ट सारे ब्लॉक को पूरा रीड करके स्टॉप हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप के लिए इसकी साइकिल करेंगे स्टार्ट। प्रोफाइल भी आपको शो हो रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट चैंपियन डिस्प्ले, M05 स्प्रिंकल स्टॉप। ये हमारा पूरा प्रोग्राम इस टाइप से बन के आ जाएगा। और स्टार्टिंग, सो होप आपको ये ट्यूटोरियल प्रॉपरली समझ में आया होगा। हम मिलते हैं इसी टाइप के किसी नए ट्यूटोरियल साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।